खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। पूनम सेविका इक्का जूतू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह वह नाम है जिसके खिलाफ यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना दिया। अपने घमंड और रुतबे में चूर स्वास्थ्य प्रभारी किसी की सुनती कहां है। मोटी वेतन समय पर मिल ही जाती है तो फिर आम लोगों के बारे में क्यों सोचना। स्वास्थ्य संबंधित प्रखंड में लापरवाही ऐसी कि लोगों को धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ के स्वास्थ्य प्रभारी का क्या गुणगान करें। मैडम तो अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ रखती है या फिर मोबाइल का कॉल रिसीव करना भी उचित नहीं समझती है। स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं जो सरकार द्वारा बनाई जाती है ऐसे ही लापरवाह अधिकारियों के वजह से जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती। सोचने वाली बात तो यह है कि ऐसे लापरवाह लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। खबर 365 न्यूज के लिए जरी से शोहेब की रिपोर्ट। आज हम लोग एक दिवसीय धरना ग्रामीणों के माध्यम से दिया जा रहा है। धरना में मैंने अपना और समर्थन दिया हूँ। धरना का उद्देश्य ये है कि यहाँ का जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, लचर क्या बोले, महालचर, उससे भी ज़्यादा बोले तो उस कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इतना भ्रष्टाचार और इतना गिरा हुआ यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं समय से आते नहीं हैं और रात में खास करके रात्रि के समय में कोई भी डॉक्टर नहीं रहते हैं, कुत्ता भोंकते रहता है और डर से पेशेंट भी नहीं आता कुत्ता के भोंकने का डर से। ये स्थिति यहाँ पर भयावह स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर ना समय से डॉक्टर आते हैं ना ढंग का कंपाउंडर है। यहाँ पे किसी तरह का स्वास्थ्य डिलीवरी केस आ जाती है रात में तो उसको हजारी वगैरह रेफर किया जाता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा घटना या कोई पेड़ से गिर के हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ देखने वाला कोई नहीं है और यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर लोगों के द्वारा हाजिरी बनाई जा रही है और सरकारी तनख्वाह को उठाया जा रहा है। उसी को लेकर आज ग्रामीणों के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि यहाँ का जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें सुधार हो, अन्यथा उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए यहाँ का ग्रामीण चुटचू प्रखंड का तैयार है और उसके समर्थन में हम लोग भी तैयार हैं। माननीय सांसद महोदय का भी जरूरत पड़े तो यहाँ पर धरना देने के लिए तैयार रहेंगे। नाम अनूप भाई वर्मा, सांसद प्रतिनिधि हजारीबाग। मैं सहदेव किस्को, ग्राम पंचायत चुटचू, मुख्य प्रतिनिधि। देखिए, यहाँ हम लोग का धरना प्रदर्शन का उद्देश्य ये है, आए दिन यहाँ लापरवाही और यहाँ का स्थिति देखते हुए हम लोग को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ पर आए दिन रोड पे कहीं जाने पर या आकस्मिक कोई बीमारी हो जाने पर इलाज के लिए यहाँ लोग आते हैं तो हम लोग प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग के पास फ़ोन आता है, यहाँ पर डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं, पूरा हॉस्पिटल का जिम्मा कंप्यूटर इन लोग के जिम्मा में दिया जाता है। वो अपना क्या करेंगे, अपना हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करके बस डॉक्टर से बात होते हैं, इसको रेफर कर देते हैं सदर के लिए। तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है कि हमारा गांव में स्वास्थ्य केंद्र होने से। और इसमें दूसरी बात है कि यहाँ कब कौन सा डॉक्टर बैठते हैं नहीं बैठते हैं उसका ना किसी तरह का बोर्ड है ना किसी तरह का समय रोस्टर है। और इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग हमारा ग्रामीणों का हित के लिए, ताकि वो आए हमारा उनको सही इलाज हो सके और छोटा मोटा बीमारी के लिए हजारीबाग ना जाना पड़े।